इंदौर में आज एक खबर ने जैन समुदाय के लोगों को गमगीन कर दिया है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में जैन मुनि आचार्य श्री 108 विमद सागर जी महाराज की मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर मामला गंभीर होने के चलते पुलिस भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि मौत की वजह क्या है। वहीं जैन मुनि के अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाने का यह मामला किसी बड़े हादसे से उनके अनुयायियों के लिए कम नहीं है। आज शाम को हमें सूचना प्राप्त हुई कि नंदा नगर गली नंबर 3 में जो जैन मंदिर है वहाँ पर मुनि श्री जो हैं उन्होंने उनका स्वर्गवास हो गया है। हमें जैसी ही सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे तो हमें पता चला कि जैन मुनिश्री का अभी प्राइमर फेसी जो हमको जो तथ्य मिले उसमें समझ में आया कि अंदर से दरवाज़ा लॉक था। उनके अनुयायी हैं, उनने उनका शव देखा जो कि पंखे से लटका हुआ था उनके अंदर के कमरे में, जिसको नीचे उतार कर नीचे रखा गया। उसके बाद में हमने अभी फिलहाल तो विधिवत हमने FSL अधिकारी को और बाकी जांच हमने हमारी प्रारंभ कर दी। इसमें FSL अधिकारी भी आके अभी प्रथम अपनी जांच करके चले गए हैं। अभी हमने जो है मुनिश्री का जो शरीर है वो हमने अभी PM के लिए वहाँ पर पहुँचाया। बेसिक फॉर्मेलिटीज़ PM के बाद ही पता चलेगी और हमने मामला चूँकि जाँच में ले लिया है, एक अलग तरीके से हम इसमें जाँच कंडक्ट करके प्रॉपर जो बोलते हैं विधिवत हम जो जांच करके जो भी इसमें कंक्लूजन आएगा हम निकाल के आपको बताएंगे। बेसिकली देखिए ये कानूनन वो होता है कि एक प्रोसेस का पार्ट है, चूंकि कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध परिस्थिति में आने का समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कानूनन हम जांच करना बहुत लाजमी हो जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ हमको फिलहाल तो नहीं मिली है, बाकी जो भी जाँच में आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही